हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव और आपके लिए मैं आज लेके आया हूं डेवलपमेंट ऑफिसर का वर्क। डेवलपमेंट ऑफिसर क्या करता है, जो एडीओ की वैकेंसी आ रही है वो कैसे क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। वैकेंसी अभी फ़िलहाल आने वाली है, आज LIC ने अपने फेसबुक और ट्विटर पेज पर इन्हें पब्लिश कर दिया है। अभी टोटल डिवीज़न वाइज अभी आई नहीं है। सबसे पहले है जो LIC की एडीओ की वैकेंसी है वो डिवीज़न वाइज होगी। लाइक LIC में 8 जोन है, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, नॉर्थ सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन, ईस्ट सेंट्रल जोन, साउथ जोन, साउथ सेंट्रल जोन, वेस्ट जोन, वेस्ट सेंट्रल जोन, इस तरह से। तो इसके अंडर में 113 डिवीज़न है। तो 113 डिवीज़न में से अलग अलग डिवीज़न की अलग अलग वैकेंसी आएगी। आपको कोई एक डिवीज़न में ही अप्लाई करने के लिए आपको मिलेगा। आप सोचो कि कोलकाता जोन में, कोलकाता जोन के अंदर 5 या 6 डिवीज़न है, 6 डिवीज़न, 7-8 डिवीज़न है, ठीक है, जो भी है उसमें आपको जैसे KMDO 1 मिलेगा, KMDO 2 मिलेगा, हावड़ा डिवीज़न मिलेगा, वर्धमान डिवीज़न मिलेगा, आसनसोल मिलेगा, खड़गपुर मिलेगा। तो इस तरह से डिवीज़न वाइज आपको वैकेंसी मिलेगी और उसको आपको डिवीज़न वाइज ही अप्लाई करना पड़ेगा और डिवीज़न वाइज ही कटअप आपका बनेगा। तो डिवीज़न वाइज ये बनेगा, उसके बाद आपको उसी हिसाब से आपको फिल करना है, देखना है कि आपको कहाँ से भरना चाहिए अपने हिसाब से। हाँ, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने नियरेस्ट ही डिवीज़न से फॉर्म अप्लाई करें। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, हमेशा मैंने पहले से कहा है कि जहाँ कट ऑफ कम जाए भर दो वहाँ पे, क्योंकि आपको तो जॉब चाहिए। अगर जॉब ही नहीं मिलेगा तो आप दूर, सब बाकी एडजस्ट हो जाता है, बाद में पैसा आने लगेगा तो सब एडजस्ट हो जाएगा। आप कहीं से भी क्लर्क का वैकेंसी डाल सकते हो जहाँ आपको लगता है कि हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास कर लेंगे। तो इसका ये आपको सिचुएशन, मतलब इसके लिए मैं क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि आने वाला दिन में आपको ब्रांच में आपको बैठना नहीं है। साफ साफ आप सुन लो, डेवलपमेंट ऑफिसर का सारा कुछ आप सुन लो कि क्या है नहीं है। ADO जो है, अप्रेंटिस कुछ लिखा हुआ है, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर जो भी है। तो जैसे ही आप अपना प्रोफेशन क्रिएट ख़त्म कर देते हो, मीन फर्स्ट ईयर का टारगेट ख़त्म कर देते हो, तब आप DO बन जाते हो। ADO से आप डायरेक्ट DO बन जाते हो, ठीक है। तो DO का काम क्या है और DO कैसे कैसे काम करता है, मैं आने वाला दिन में इस चैनल पे जो हमारे यहाँ के जो डेवलपमेंट ऑफिसर है, सबसे बड़े डेवलपर, उनका भी मैं इंटरव्यू करवाऊँगा। और जो लास्ट अभी रिक्रूट हुए हैं 2-3 लड़के हैं, उन लोग का भी रिक्रूट कर उन लोग का भी इंटरव्यू आपसे दिलवा दूँगा। अगर आप चैनल पर बोलोगे तो उनका भी एक्सपीरियंस मैं आपको दिला दूँगा कि वो नए वाले कैसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, पुराने वाले कैसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और अच्छा क्या बिजनेस कर रहे हैं। तो बोलने का ये मतलब है, आपको क्या करना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्री हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, उसमें तो शायद नेगेटिव नहीं है। तो मेंस होने के बाद आपको बहुत तुरंत आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा। एक महीना का शायद आपको डिविजनल ऑफिस आपको अरेंज करवाएगा आपको ट्रेनिंग। बहुत ही मज़ेदार ट्रेनिंग होने वाला है, इसको मिस करना मतलब बहुत ही मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी। आपको बोला जाता है कि LIC का जो डेवलपमेंट ऑफिसर है वो LIC का दामाद है। दामाद माने जानते हैं, मतलब बिहारी में बोलता अगुआ, और मतलब उनको जो ट्रीट मिलता है LIC में वो किसी और को नहीं मिलता। डेवलपमेंट ऑफिसर को जो ट्रीट मिलता है, तो आपका जो भी ट्रेनिंग होने वाला बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, और आपको खाना पीना रहना सभी फ्री रहेगा उसमें, और बहुत अच्छा उस टाइम में आपको फील होगा। बहुत LIC के बारे में आपको जानने मिलेगा, कैसे वो काम करता नहीं करता, आपको क्या करना है। फिर भी मैं एक शॉर्ट बोल देता हूँ, आपको का काम एक ही है कि आपको एजेंट रिक्रूट करना है, आपको ब्रांच पे बैठना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इवन मैं बहुत लोग को जानता हूँ कि पूरे हफ्ते भर आपको अटेंडेंस भी नहीं करना, आपको कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं, आपको मिल कूपन मिल रहा है, ठीक है, मिल कूपन भी मिलेगा आफ्टर शायद, मतलब जब DO आप बन जाऊंगा उसके बाद से मिल कूपन बनना भी मिलना भी चालू हो जाएगा। और आपको ब्रांच ना आए तो बेहतर है, सीधा बात है, आप ब्रांच में नहीं रहना, आपको बाहर निकलना है, एजेंट रिक्रूट करना है, लोगों को अप्रोच करना है, कौन एजेंट LIC के लिए बन सकता है, आपको एजेंट रिक्रूट करना है, एजेंट रिक्रूट करके उससे पॉलिसी करवाना। साफ साफ आपको बात बता रहा हूँ मैं, अगर आपको पॉलिसी एजेंट रिक्रूट, अच्छा एजेंट रिक्रूट कर लिया, आपको पहले इसका टारगेट था करीब, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए टारगेट वगैरह का बात, क्योंकि आप लोग इससे डर जाओगे और शायद अप्लाई नहीं करोगे या कुछ और सोचोगे कि बेकार जॉब है या कुछ है ऐसा, जो कि आप
आपकी सबसे पहले आपको जॉब का ज़रूरत है, इसलिए अगर मैं नेगेटिव कुछ कहूँगा तो शायद आपको कुछ अलग लग जाएगा। तो मोटा मोटी बोलने का मतलब है आपको एजेंट रिक्रूट करना है और एजेंट रिक्रूट करके आपको पॉलिसी करवाना है उन लोग से, उसमें से आपको भी एक सैलरी के अलावा भी आपको कमीशन मिल जाएगा, मतलब शायद 10% के आसपास कमीशन, मुझे कुछ पता नहीं है। फर्स्ट ईयर में आपको शायद फर्स्ट ईयर प्रीमियम सोचिए आपको 30,000 का कोई पॉलिसी हुआ वन ईयर का, तो आपको उसका हो गया 10%, मतलब 3,000 आपके अकाउंट में भी आएगा कमीशन अगर आप एक पॉलिसी करवा देते हो एजेंट, कोई भी एजेंट काम करेगा आपको। सोचिए आपने 10 एजेंट रिक्रूट कर लिया, तो उन लोग जो भी कमीशन अर्न करेगा, उन लोग का एक कमीशन है, वो कमीशन अर्न करने के बाद आपको भी एक परसेंटेज मिलता है। कमीशन घटते जाता है, पहला ईयर 10, फिर 9, 8, 10 या 5 ऐसे कुछ करके होता है, एक वो अलग टॉपिक है, अलग उस पर नहीं जाता है। तो आपको वहाँ पे आपको कमीशन मिलेगा एक्सेप्ट, मतलब सैलरी के अलावा, सैलरी आपका मिल रहा है ठीक है, और कमीशन भी आपको अलग से मिलेगा। आप जितना अच्छा एजेंट रिक्रूट करेंगे और जितना अच्छा पॉलिसी करेंगे, आपको ये एक तरह से बिजनेस आप बोल सकते हैं। तो मुश्किल तो मैं ऐसे जज नहीं कर सकता हूँ कि मुश्किल है या टफ है या बहुत ईजी है। कोई कोई बंदे ऐसे भी है जो एक महीना में सारे टारगेट कंप्लीट कर दिए, कोई बंदे पूरे साल भी लग गए। तो ये अपना पर्सनल आप कितना काम कर पाते हो इस पे आपको डिपेंड करेगा कि आप कितना टारगेट पूरा कर पा रहे हो, क्या कर रहे हो। आपको और कुछ डाउट होगा तो आप नीचे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में मैं जवाब देने का कोशिश करूँगा। और आपको एजेंट रिक्रूट करके, बस एजेंट रिक्रूट करके आपको पॉलिसी देना सीधा। आपको एक अच्छा एजेंट भी बना दिए, मैं एक लड़का को जानता हूँ लास्ट ईयर, 2-3 लड़के हमारे में मतलब ज्वाइन किए थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक ही लड़का को, एक मतलब एडीओ को एक एजेंट मिल रहा था सिर्फ, एक एजेंट जोरदार, मतलब आप 100 एजेंट रिक्रूट करने को छोड़कर अगर एक क्वालिटी वाला, वही बोल क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी बेहतर होता है, आप तो जानते ही होंगे। आप लोग एग्ज़ाम दे के आ रहे हो, तुक्का नहीं मार रहे हो, नेगेटिव बचा के आए हो, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे आपको फोकस किए होंगे। तो उनका एक एजेंट ये उसका सारा बिजनेस, मतलब उसका टारगेट पूरा कर दिया। उसको मैं जानता हूँ उस लड़के को, उसका एज कम से कम जो अभी एजेंट है जो रिक्रूट किए थे, करीब उनका एज 28-30 के पास पास, उससे ज़्यादा नहीं होगा। वो 3 महीने के अंदर ही 100 पॉलिसी लेके आ गए, 100, तो उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, डायरेक्ट उसका सारा टारगेट ख़त्म हो गया। एजेंट रिक्रूट करके रखा 20-30 एजेंट रिक्रूट करके रखा है, लेकिन परफॉर्मेंस एक दे रहा है। तो ऐसा भी एक ही मिल गया तो आपका काम हो जाएगा, आपको और कोई टेंशन का बात ही नहीं है, एक ही आदमी आपका बिजनेस खड़ा कर देगा। तो इस तरह से कुछ काम है उसका, आप लोग देख लेना, आपको कुछ डाउट हो आप ज़रूर हमसे पूछना। और आने वाले दिन में जो डेवलपमेंट ऑफिसर का मैं इंटरव्यू लेके आऊँगा इस चैनल पर, कोशिश करूँगा लाने का। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।